कि विराट कोहली ने सेम जो बैटिंग है उसकी आज हाईलाइट देखने को मिली है, जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे। पहले स्लो में खेल रहे थे, 44 गेंदों पर 44 था, फिर उसके बाद उन्होंने जब 50 कर ली, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेशर रिलीज करके दूसरी टीम पे प्रेशर डाला, जिससे स्कोर भी उनका बढ़ा। आप बिल्कुल ये देखिए, इतना बड़ा प्लेयर है कि उसकी सेंस, उसके जो नर्व्स हैं वो उन कितनी कंट्रोल्ड होंगी, उसके बस में होंगी कि वो जिधर चाहता था शॉट मारता था, और बड़े शॉट्स भी मारे। पहले आप वो देखेंगे, जब वो 50 रन तक था तो चार चार चौके थे सिर्फ उसकी बैटिंग में, उसके रन्स पे चार चौके थे। उसने सिंगल डबल से अपना प्रेशर रिलीज किया, अपनी जो कदम थे वो जमाए पिच पे, और उसके उसके बाद उसने लाठीचार्ज शुरू किया। यही बड़े प्लेयर की निशानी होती है, और यही मैं आप लोगों को काफी अरसे से हम लोग प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे कि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, वो चाहे सेमीफाइनल में ना चले, अगर इंडिया फाइनल में पहुंची तो ये मैंने कहा था कि फाइनल में जरूर रन करेगा। तो आप देखिए, उसके पास पेंडिंग थी, हर एक ने अपना अपना रोल जो है वो भरपूर तरीके से अदा किया है। जो अक्षर पटेल को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी ऊपर भेजा था, यहाँ पर रोहित शर्मा की कप्तानी को दाद बनती है, जो उन्होंने बिल्कुल बैटिंग जो है वो प्लेसमेंट की, और उसके साथ साथ शफलिंग की, नंबर्स चेंज किए, कहां पर किसको भेजना है। राइट हैंडेड थे विराट कोहली, उनके साथ उन्होंने अक्षर पटेल को भेजा लेफ्ट आर्म, हाँ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को। फिर उसके बिल्कुल बाद आप देखेंगे दुबे बाद में आए, पांड्या बाद में आए। तो ये चीजें कप्तान के ऊपर भी, और डेविड ड्रैविड को भी इसका जो है वो क्रेडिट जाता है, जो उन्होंने प्लान बनाया होता है। गेम प्लान अच्छा प्लान था ये होता एग्जैक्टली है जो आज नजर आया इंडिया के, आज जो सेमीफाइनल पे इंडिया इंडिया का नजर आया था, जो गेम प्लान पर अमल दरामद होता है। आप देखें, गेम प्लान आपका बना होगा शुरू के पहले 10 ओवर्स का, उसमें सिनेरियो चेंज हो रहा होता है, उसमें जो सिचुएशंस हैं वो बदल रही होती हैं। बदल रही होती आप हैं, और दस जिस तरह ओवर्स से के यू नो लिहाज से विंड का आप एक वही फ्लो था। किताबी जो है अमल दरामद नहीं कर सकते। देखें, अब मैं आपको एक बताऊं, जो बेसिकली जो खास तौर पर जो एक 10 ओवर की प्लानिंग होती है वो बदल रही होती है, ठीक है। जब आप गेम प्लान आप लेके जाते हैं, 10 ओवर में आपने ये करना है, आपने इतने रन करने हैं, और सिचुएशन कुछ और हो जाती है, तो फिर आपको गेम प्लान बाहर से आता है, फिर आपको बाहर से आके उस पर अमल दरामद करना होता है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हमारे पास गेम प्लान होता है, गैरी ने हाँ बना के दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही ये चीजें हम लोग कहते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए जब बेहतर हो। और विराट कोहली जैसा प्लेयर आपके पाकिस्तान में, मुझे ये बताएं, अगर ये सिचुएशन होती शुरू के ऊपर के जो है उड़ जाते हैं, जिसमें जो टॉप परफॉर्मर था, हमारी तो लाइन लग जाती है यहाँ पे। हमारे पास प्रेशर कंट्रोल करके रन्स करने वाला कौन था, उसको कमर लगाने वाला कौन था। अगर बाबर खड़े होते हैं तो बाबर के साथ दूसरे एंड पर खड़े होने वाला कौन ऐसा खिलाड़ी है। बिल्कुल अक्षर सही पटेल ने जो किया, 40 से ज्यादा रन जो उसने किए, जो स्कोर रन किए, वो मैं हाँ समझता हूँ कि उसने तेज जो है वो किए, और उधर से विराट का प्रेशर उसने रिलीज किया, 47 किया। तो आप देखिए, स्ट्राइक रेट उसका 151 का, अच्छा अच्छा 31 कादिर बॉल पे किया, कादिर मैं चार एक छक्के चीज हैं इसके उसमें, अंदर ऐड करना एक चाहूंगी। अभी चौका मैं है। देख रही थी एक कमेंट आया था एनी मलिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका कहना था कि अगर बाबर आजम हाफ सेंचुरी करता है तो आप कहते हैं कि जी सेल्फिश प्लेयर है, और अगर विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी किया तो आप उसकी तारीफें कर रहे हैं। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पे, और फिर मैं चाहूंगी कि कादिर आप इसके बाद इस गुफ्तगू को कंटिन्यू नहीं, करें। देखिए, बाबर आजम ने लास्ट टाइम जी कब जी आप कह लें कि पावर प्ले में, ये इसी टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं तो पावर प्ले में बाबर आजम की क्या बाउंड्रीज थी, कौन सी बाउंड्रीज ली हैं उन्होंने, कौन से उन्होंने छक्के मारे हैं। विराट कोहली की अगर आप बात कर रही हैं, जो भी ये जिनका कमेंट है कि विराट कोहली की हम तारीफ क्यों कर रहे हैं, विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद जो शॉट्स मारी हैं, एंड एंड इंक्लूडिंग वन थिंग, विराट कोहली ने सेल्फिशनेस के साथ अपनी 50 पूरी नहीं की है। इट वॉज अ सिक्स, जिसकी वजह से जो उन्होंने हवा में जो बॉल इन द एयर थी उसके बाद उनका आप देखें, उन्होंने एक रन लिया और उनकी वो 50 पूरी हुई। क्या उस वक्त वो आराम से शॉट नहीं मार सकते थे? क्या वो सिंगल्स लेके अपना वो 50 पूरा नहीं कर सकते थे? कैसे उन्होंने सेल्फलेस होकर वो शॉट मारी और उसके बाद उनकी 50 पूरी है? इवन आई वॉज थिंकिंग एट दैट पॉइंट कि अगर विराट कोहली इस एक रन को आराम से अचीव करते तो मैं कहूंगी कि विराट कोहली वॉज अबाउट टू मेक हिज 50। लेकिन उन्होंने जिस तरह से सेल्फलेसली वो शॉट मारी है, आई डोंट थिंक सो कि हमारी टीम में बाबर आजम एग्जैक्टली ये वाला अंदाज अपनाते हुए अपनी कोई 50 की है। एंड सॉरी टू से, देर इज नो बाउंड्री राइट नाउ कि जो बाबर आजम ने अपने पावर प्ले में की, या पहले 10 ओवर्स में की, या बाबर आजम ने कोई बहुत ज्यादा छक्के या चौके मारे हैं इस टूर्नामेंट में। सिंगल्स और डबल्स से आप टूर्नामेंट जीतते नहीं है। एंड सेकेंडली, विराट कोहली को जिस तरह से बैक दूसरे प्लेयर्स कर रहे थे, दिस वॉज एन एज, और फिर उन्होंने 76 का स्कोर किया है और उसके बावजूद उन्होंने खुला किया है, उसमें कोई सेल्फिशनेस नजर नहीं आ रही थी। दिस इज अ थिंग जिस पर हम रोते हैं। गलतियों को गलतियां माना करें, उस पर प्लीज बिला वजह तारीफें मत किया करें, फिर इसी तरह से आपके प्लेयर्स खराब होते हैं। कादिर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
देखिए अब इनको क्या समझाएं जो अंधे हो चुके हैं इस प्यार में, और इनको हम लोग क्या समझा सकते हैं। इनके खिलाफ जो है वो हम बात करें तो हम जो है वो गद्दार हो जाते हैं, हमारे हाँ से बुरा लफाफा कोई नहीं होता, हमारे से बुरा जर्नलिस्ट कोई नहीं होता। तो मैं इनको ये बात बता दूं कि इनकी तब इन्होंने तब जो है वो होश भी नहीं संभाली होगी जब से हम बाबर आजम को कवर कर रहे हैं, तो सही बात है। बाबर आजम को देख रहे हैं, बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं वाहिद जर्नलिस्ट था शायद जो 2023 में सबसे दत्ता ज्यादा अशरफ के सपोर्ट किया खिलाफ खड़ा बाबर। हुआ। बाबर आजम को सपोर्ट किया, हम लोगों ने सपोर्ट किया, हम लोगों ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं। घर में बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है, जो आप ग्राउंड में रियलिटी देख रहे होते हैं उसको उसको देखना चाहिए। विराट कोहली बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है, नहीं बाबर है। आजम की अपनी क्लास है, विराट कोहली का अपनी क्लास है, हाँ विराट कोहली उनसे सीनियर है, बाबर आजम भी उनसे सीखते हैं, बाबर आजम एबी डिविलियर्स से भी सीखते हैं। तो इसमें क्या बुराई है अगर हम विराट कोहली की तारीफ करें? अगर अगर दूसरे सरहद पार के लोग जो हैं वो बाबर आजम की तारीफ करते हैं तो क्या उनके लोग उनको मार दें? मतलब आप लोगों के अंदर सेंस नहीं है एक चीज की कि अगर बाबर आजम रन्स करता है, और रन्स किस तरह की सिचुएशन में करता है, वो बाबर आजम ऊपर आता है, विराट कोहली अगर खेल रहा है, रोहित शर्मा आउट हुआ, ऋषभ अपने पंत आउट नंबर पे हुआ, नहीं तो खेल विराट रहे कोहली विराट पागल कोहली। था? नहीं, मुझे विराट ये कोहली बताएं, आज आज विराट आज कोहली चेंज कर पागल था सकते कि थे वो टॉप इस तरह ऑर्डर। की ऊटपटांग शर्ट देखें, ऊटपटांग शॉट्स मार के विराट कोहली पागल था कि वो अपनी टीम को मुसलसल नीचे लगा देता? मतलब एक एक सेंस होती है, आपने गेम सिचुएशन देखनी होती है, गेम के लिहाज से देखनी होती है। 40 गेंदों पर 40 उसने किया ना, स्लो कर लिया, उस टाइम पे उसने स्ट्राइक रोटेट करनी क्योंकि शुरू दूसरी की, साइड से दूसरे एंड अटैक से हो रहा अक्षर था मार रहा ना, था। दूसरी साइड से अटैक देखिए हो रहा यही था। जो यही यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अक्षर अगर दूसरे एंड से स्ट्राइक कर रहा है तो वो हाँ पागल है, अपनी विकेट गवाएगा। क्यों अब अक्षर एग्जैक्टली आउट हुआ तो उस वक्त तक वो सेटल हो चुका था, उसने हाँ मारा, हाँ और आप उसकी आप देख लें सारी चीजें। मतलब ये एक चीज है कि वो अगर प्रेशर में आ रहा है, अगर एक वो थ्रू आउट द T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो अगर आके फाइनल मैच में अगर वो रोहित भी जो टॉप परफॉर्मर है, जो आगे से इंडिया को लेकर लीड करता रहा है, इंडिया के जो प्रेशर रिलीज करता रहा है, ऋषभ अच्छा प्लेयर है, दोनों आउट हो जाते हैं, तो विराट कोहली अगर मारता है, हिट मारता है, उस अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो जाता है। तो फिर अब आपने कहना था जी ये कैसी शॉट खेल दी, 1.25 अरब की आबादी उधर से कहती, 25 करोड़ की आबादी इधर से कहती, बिल्कुल और जो सही पूरे बात है। दुनिया में बैठे हैं लोग वो भी कहते। हाँ तो ये थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए, विराट कोहली को ज्यादा पता था उसने ग्राउंड में क्या खेलना है क्या नहीं। हम लोग इधर से बैठ के बातें कर सकते हैं, हम लोग बाबर आजम को बुरा नहीं कहते, बाबर आजम हाँ जैसा प्लेयर पाकिस्तान में शायद ही कम प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल ऐसे सही बात ऐसे प्लेयर नहीं आते। लेकिन हाँ एक चीज है कि अपना स्ट्राइक रेट अपने बाद में आपको फिनिश करके आना चाहिए। विराट कोहली ने बहुत मरतबा फिनिश की है मैचेस अपने अपनी कंट्री के लिए। बिल्कुल बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, कई मरतबा उन्होंने मैचेस जो पाकिस्तान के जितवाए भी हैं, लेकिन हाँ आप देखें एक दोनों की क्लास डिफरेंट है, क्लास दोनों अलग एक है, जैसे प्लेयर अंदाज नहीं अलग हो है। सकते। सबसे बड़ी हमारा बात यह है अनफॉर्चुनेटली कि बाबर आजम एज अ कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो कैप्टेंसी देखें, के हम जो लोग ना कैप्टेंसी हम डिसीजंस लोगों है का वो नहीं ले पा अलमिया रहे हैं। मीरब हमारा अलमिया ये है कि हम लोग जो है ना, जब एक मैच के बलबूते पर किसी को हम ब्रैडमैन बना देते हैं, किसी को गिलक्रिस्ट एग्जैक्टली के साथ लव मिला लव देते लव हैं, किसी कुवत को विराट लव कोहली बना देते हैं, शुक्र है आप भी ठीक बोले है? तो हैं। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ उमर साहब, हाँ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारी एक इनिंग अगर कोई अच्छी खेलता है, अब्दुल्ला शफीक अगर 100 कर जाता है किसी मैच में, तो वो हाँ उससे अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं है। सर पे अगले बिठा मैच लेते में, हैं 3 मैचों बिल्कुल। में वो 0 करता है, तो हाँ उसको आप लोग जो है वो कहते हैं कि इससे जो है वो फारिग प्लेयर ही कोई नहीं सर है। से उतार देते ये हैं। हमारी कौम का अलमी है, स्टेबिलिटी कोई नहीं है ना, स्टेबिलिटी हाँ कोई नहीं है, यू टर्न्स हैं, अपने बयान पे एक नहीं रहते। तो इसलिए ये चीजें मैटर करती हैं कि आप लोग जो है उसको सपोर्ट करें, लेकिन उसके प्यार में इतना अंधा ना हो कि आप लोग जो है ना वो किसी हर किसी पर तोहमत लगानी शुरू कर कादिर, दें, हमने किसी पर अपना एक बदतमीजी खूबसूरत का टैग प्लेयर, लगाना शुरू कर अपना दें। एक बेहतरीन प्लेयर हमने जाया कर दिया इन्हीं बातों की वजह से। बेजा तारीफें, बेजा देखिए तारीफें। कवर ड्राइव, कवर ड्राइव। हम जो है ना वो आप ये मैं आपको बताऊं कि देखें हमारे पास बहुत बहुत अच्छे प्लेयर्स आए थे, हाँ और हमारे पास बड़े बड़े नामवर प्लेयर आए उस दौर में, शुक्र करें कि सईद अनवर, इंतमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, आमिर सुहेल, इस तरह के प्लेयर, इमरान नजीर थे, शाहिद अफरीदी थे, अब्दुल रजाक थे। इसलिए उस दौर में इतना सोशल मीडिया नहीं था, वरना शायद वो भी हाँ खराब हो जाते, वरना क्या होता। बिल्कुल वरना सही शायद वो बात भी हार वरना शायद वो भी हारने के बाद गाड़ी में म्यूजिक लगाते और एनसीए में अंदर जाने की वीडियो बना रहे होते। बिल्कुल सही बात है। एक तरफ जो है वो खुशी के आंसू, एक तरफ खुशी के आंसू है, एक तरफ शिकस्त के आंसू। हाँ शिकस्त के आंसू नहीं है, शिकस्त की खुशी है और स्माइल है। बिल्कुल सही। तो खैर ये चीजें तो अपने ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, इंसान को देखनी चाहिए कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसको क्या करना चाहिए। कप्तानी जो है खाली उसका भूखा नहीं होना चाहिए किसी को।
और हाँ कप्तानी जो है वो करनी आनी चाहिए। और विराट कोहली को कप्तानी कप्तान जब एग्जैक्टली मुकर्रर किया कादिर था। आपको याद होगा कि इससे पहले हम जब बात कर रहे थे कप्तानी के ऊपर, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कप्तानी तो आपको बहुत अरसा पहले से अंडर 19 से नजर आने लग जाती है कि ये प्लेयर, इसकी ये स्ट्रेटेजी बहुत बेहतरीन है, ये कल को पाकिस्तान टीम में अगर आता है तो कैप्टेंसी बहुत अच्छी कर सकता है। दिस इज अ गॉड गिफ्टेड देखिए मैं थिंग आपको एक जो चीज आप बताता हूँ, जबरदस्ती नहीं डाल एक सकते हैं चीज किसी में। बताता हूँ, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इवन और जो बाकी बोर्ड्स हैं वो क्या करते हैं कि वो अंडर 13 से अपने प्लेयर को तैयार करना शुरू करते हैं। अंडर 13 से अंडर 16, अंडर 19 और फिर कोमी टीम, ठीक है। उनकी एक एक बंदे को कप्तानी, जिसमें वो गुर देखते हैं, जिसमें एबिलिटी देखते हैं कि ये यार ये जो है वो टीम को लीड कर सकता है, इसमें अहलियत है, वो उसको अंडर 13 से तैयार करना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं हाँ होता कि आप जो हाँ है वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं और आपका कप्तान रेडी हो जाए। वो सही अंडर बात, थर्टीन से अंडर 16 में लाते हैं, अंडर 19 में लाते हैं, उसी कप्तान को रखते हैं। जिस बिल्कुल तरह सरफराज अहमद की एग्जाम्पल आपके सामने है, सरफराज अहमद परफेक्ट आए, एग्जांपल है उन्होंने वर्ल्ड कप पाकिस्तानी जितवाया, पर्सपेक्टिव के लिए। बिल्कुल पाकिस्तान की जो है वो कप्तानी की अंडर 19 की, उन्होंने कौमी टीम की कप्तानी की। आपकी टीम इसी पोजिशन पे थी जो आज T20 में पोजिशन पे है, उन्होंने इस पोजीशन से उसको टेक ओवर किया और उसको नंबर 1 टीम रखा। हाँ 11 उम्र बता सकते, 11 सीरीज थी उम्र जो हम कंजर्केटिव जीते थे, आई थिंक जो T20 की सीरीज सरफराज थी। की क्यादत में जी, सरफराज की क्यादत में। 11 से ज्यादा ही थी कादिर भाई, कुछ 14 से 15 थी। तो सर, तो मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने वो उसको बेचारे को कप्तानी से हटा दिया और अब जी जो है आज तक हमारी टीम स्टेबल नहीं हो सकी। सही बात ये है, चीजें जब तक आपके आपकी ग्रासरूट लेवल से आप कप्तान मुकर्रर नहीं करेंगे, आपको एबिलिटीज नहीं नजर आएंगी, तब तक कप्तानी की लालच और कुर्सी का लालच जारी रहेगा। और जिस टीम में कप्तानी का लालच होता है वहां पर, अच्छा, इनको इनको खराब करने वाले इनके कंपनीज हैं। बेसिकली जो मुख्तलिफ जो मैनेजर्स और कंपनीज है वो बेसिकली इनको खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाँ कह एड्स आते सकते हैं, हैं, सही प्रमोशन आती बात है, प्रमोशंस आते हैं, एड्स आते हैं। अब बाबर आजम जो है उसको एड्स की जरूरत क्या है? मतलब मुझे उसको बताएं, उसको कप्तानी की जरूरत क्या थी? उसको कप्तानी अगर ना भी होती तो बाबर आजम आज सारे एड्स में आ रहा होता, क्योंकि कादर। उससे बड़ा लाइमलाइट प्लेयर की बेस पर पाकिस्तान में अभी डिसीजंस है ही लिए नहीं। जा रहे हैं ना, अब लाइमलाइट की बेस पर देखिए, डिसीजंस लिए उससे जा रहे हैं। उससे उससे अच्छा, उससे बड़ा प्लेयर और इससे अच्छा प्लेयर अभी पाकिस्तान में नहीं है कोई भी, ठीक है। ये हर कोई मानता है, ये हर कोई मानता है, उसके क्रिटिक्स भी मानते हैं कि वो अच्छा प्लेयर पाकिस्तान है। में प्लेयर लेकिन उनसे अगर अच्छे भी मुझे, हैं, हमने बनने नहीं दिए हैं, हमने बनाए नहीं हैं, हमने उन्हें मौके नहीं दिए हैं, इफ आई एम हमने नॉट उनको रॉन्ग। मौके क्यों दें जी? फिर उसके बाद जो है वो कौन बाबर आजम को पहचाने?